मनोज आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य आज तक के मंच पर आप पिछली बार भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए थे और एक बार फिर आप जब यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है दिल्ली ये शहर गालिब का है जौक का है और आज उसी शहर में जब साहित्य आज तक का यह मंच सजा हुआ है तो बॉलीवुड के एक ऐसे गीतकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो अपने गीतों के ज़रिए आज के दौर की संगीत की एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं हमारी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मीनाक्षी बहुत बहुत शुक्रिया इन शब्दों के लिए सुन के अच्छा लगा अपने बारे में ये सब और आप सबकी मौजूदगी वाह आखिर तक कुर्सियाँ भरी हुई हैं ये साहित्य आज तक का मैजिक है ये अरुण पुरी जी का कोयल पुरी जी का सुप्रिय जी का ये आपकी कोशिश है और आपका आत्मबल है जिन्होंने पूरे देश से मैं समझता हूँ यहाँ सिर्फ दिल्ली वाले नहीं हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो आप सबको सलाम और इसलिए भी क्योंकि मीनाक्षी आपको एक बात पता है दुनिया की किसी भी जुबान में सुनाने का कोई तर्जुमा नहीं है सुनाने जब आप कहते हैं ना कि ये सुनने वाले ये बहुत बड़ा शब्द है कोई मामूली चीज़ नहीं है कि सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं पूरी दुनिया में कविता पढ़ने की चीज़ है सुनाने की नहीं इसलिए जब आप कभी ये बोलना चाहें कि उसने मुझे अपनी कविता सुनाई और आप इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो आप कहेंगे ही रिसाइटेड हिज पोएट्री टू मी या ही रेड आउट हिज पोएट्री टू मी सुनाई श्रुति ये वेदों की परंपरा है ये हिंदुस्तान की परंपरा है और आप सब ने उस परंपरा को जिंदा रखा हुआ है स्वागत है आपका लेकिन जिस दौर में हम खड़े हैं 2019 में दोस्तों सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है यहाँ बोलना भी होगा तो आज मुझे कॉमरेड चाहिए मुझे साथी चाहिए मुझे सिर्फ श्रोता नहीं चाहिए मैं जब बात करूँगा जो अच्छा लगे उस पर शाबाशी दें जो बुरा लगे उस पर सवाल उठाएं, लेकिन खामोश ना रहें कई साल पहले आपके लिए ही फैज़ अहमद फैज बोल के गए थे सिर्फ आपके लिए कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे बोल जुब अब तक तेरी है क्या बात बोल के लव आजाद है तेरे बोल जुबा अब तक तेरी है तेरा सुतवा जिसम है तेरा बोल के जहां अब तक तेरी है क्या बात है देख के आहन की दुकान पर तुंद है शोले सुर्ख है आहन यानी इनकलाब की भट्टियों में लोहा पिघल रहा है दोस्तों देख के आहनगर की दुकान पर तुंद है शोले सुर्ख है आहन खुलने लगे कुफलों के दहाने यानी ताले टूट रहे हैं बेड़ियां खुल रही हैं खुलने लगे कुफलों के दहाने फैला हर एक जंजीर का दामन बोल के थोड़ा वक्त बहुत है जिसमों जुबा की मौत से पहले बोल के सच जिंदा है अब तक बोल के जो कहना है कह ले आपने तो ये सुनाया कि फैज क्या कह गए लेकिन मैं अपने सभी श्रोताओं के साथ अपने ऑडियंस को अब यह बताने वाली हूं कि जो किताब इस वक्त मेरे हाथ में है उसमें आपने क्या कहा है इस वक्त जो किताब मेरे हाथ में है ये मनोज मुंतशिर की पहली किताब जो अभी आई है सामने फिर मेरी फितरत है मस्ताना और दिलचस्प ये है देखिए जब मेरी बातचीत हो रही थी मनोज मुंतशिर से तो उनका ये कहना था कि इस संग्रह में अब तक जो कहीं कुछ प्रकाशित नहीं हुआ है या जिसका इस्तेमाल वो अपने फिल्मी संगीत में फिल्मी गीतों में नहीं कर पाए हैं उसका ये पूरा कलेक्शन है पिछले 16-17 साल पुराना तो ये अपने आप में एक क्लासिक है और वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को जो है प्रकाशित किया है तो आप लोग जरूर यहाँ से स्टॉल से किताब हासिल करें लेकिन शुरुआत में जिन लाइन्स से करना चाहूँगी मनोज बड़ी खूबसूरत लाइन से आप सभी सुनिए मनोज अपने बारे में ये कहते हैं मैं ये तय नहीं कर पाया कि मैं कामयाब हूँ या नाकाम हूँ लेकिन जो कुछ भी हूँ उसमें कुछ लोगों का हाथ तो ज़रूर है श्री शिव प्रताप शुक्ला मेरे पिताजी जिन्होंने रातों रात मेरा शुक्ला से हो जाना चुपचाप खामोशी से बर्दाश्त कर लिया शुक्ला से मुंतशिर हो जाने की यह कहानी क्या है मनोज मुंतशिर मीनाक्षी मैं उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है जो सियासी तौर पे बहुत बड़ा है अमेठी नाम है जिसका मैं वहां की पैदाइश दी देखिए अमेठी वाले हाथ हिला रहे हैं वहाँ से अच्छा कौन कौन लोग हैं अमेठी से और गौरीगंज से भी कुछ लोग हैं क्या देखिए अमेठी गौरीगंज वाह अब थोड़ा जज्बाती हो जाता हूं मैं गौरीगंज का नहीं नहीं होना ही चाहिए आप